आई एम श्योर आपको ये प्रोडक्ट बिरोल काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और आपको इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि ये पूरा बिरोल जो है वो मैंने कैसे क्रिएट किया है। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई सेल्फ प्रेडी। और आज का ट्यूटोरियल होगा कि एक प्रोडक्ट का बिरोल कैसे शूट करें या फिर एक प्रोडक्ट का वीडियो शूट कैसे करें। अब इस तरह के जो प्रोडक्ट बीरोल होते हैं या फिर प्रोडक्ट वीडियो शूट जो होते हैं वो उस ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो आज हम सीखने वाले कि इस तरह के वीडियो कैसे बनाएं। सो आज का हमने सेटअप ऐसा लगाया है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी लाइट यूज़ कर रहा हूँ। ये वाली लाइट अभी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये मैंने सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है ऊपर और अंदर एलईडी लाइट ही है। ओके, और यहाँ पे मैं रिफ्लेक्टर यूज कर रहा हूँ ये वाला, और बाकी जो सेटअप है वो मैंने यहाँ पे लगाया है। ये मुझे जो कार्ड सीट थी वो मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है वो ब्राउन कलर की है। सो मुझे पीछे जो बैकग्राउंड चाहिए था वो मुझे थोड़ा शाइन कलर का और टर्किश कलर का चाहिए था टेक्सचर के साथ, इसीलिए मैंने ये शीट यूज़ की है। और आज का प्रोडक्ट होने वाला है ये चॉकलेट लड्डू है, और मैंने पूरा स्टोरी बोर्ड इसका बना के रखा था मैंने, क्योंकि स्टोरी बोर्ड एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपको शूट करने से पहले ही पता होता है कि आप क्या शूट करने वाले हो और वो किस तरह का दिखेगा एडिटिंग के बाद। सो स्टोरी बोर्ड में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्केचिंग है, आपका जो ड्राइंग है वो परफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ आपको आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किस तरह का शॉट चाहिए। सो इसीलिए ये स्टोरी बोर्ड होता है। सो मैंने सारे शॉट जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे ताकि मुझे पता चले जब भी मैं शॉट शूट करने जाऊँ तब। सो वन बाय वन हम सारे शॉट मैं यहाँ पर शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा वीडियो जो है वो मैंने अपने कैमरे में ही शूट किया है सोनी के, लेकिन मैं यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको भी मेरे हाथ में स्मार्टफोन दिखेगा, लेकिन मैंने पूरा प्रोडक्ट वीडियो शॉट कैमरे में ही शूट किया है, इसी कैमरे के अंदर, मैंने मोबाइल में नहीं शूट किया है। ये मैं सिर्फ आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ ताकि मेरे हाथ में कुछ कैमरा जैसा कुछ भी हो ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे शूट किया। ओके, सो शुरू करते पहले शॉट से। स्टोरी बोर्ड के हिसाब से हमारा पहला जो शॉट होगा वो ये बॉक्स का शॉट होगा, जैसे ये आप देख रहे हो मैंने स्लोली सिर्फ आपको ऐसे ही किया। ओके, ये आ गया हमारा पहला शॉट। अब सेकंड शॉट होगा, बॉक्स जो है वो ओपन होगा, ये हमारा होगा सेकंड शॉट। अब वो कैसे होगा ये आप मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 स्टार्ट। सो थर्ड शॉट जो है वो ऐसे करेंगे कि यहां से हाथ आएगा लेफ्ट साइड से और लड्डू को हाथ में लेगा और ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। 1 2 स्टार्ट। थोड़ी देर कैमरे के सामने रहेगा हाथ, फिर ऊपर फेंकेंगे। जैसे हमने एक शॉट लिया था कि जो लड्डू को है हम ऐसे फेंकेंगे हाथ से ऊपर, सो ऊपर जब हवा में जो वो घूम रहा होगा वो एक शॉट मुझे चाहिए था। सो वो कैसे हम अचीव करेंगे ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो मैंने अभी सेटअप में ग्रीन कलर का पेपर मैंने लगा दिया है क्योंकि हमें ग्रीन स्क्रीन के सामने हम शूट करने वाले हैं, और ये रहा मेरे पास लड्डू जो रेडी है, और कैमरा जो है मैंने यहाँ पे ऐसे ही सेटअप कर दिया है टेबल के ऊपर ही। अब नीचे से मैं बॉल को फेंकूँगा ताकि ये जो स्क्रीन है उसमें आपको दिखेगा कि कैसे लड्डू आ रहा है स्क्रीन, फिर हम एडिटिंग में ग्रीन स्क्रीन को निकाल देंगे और उस एडिटिंग के बाद जो शॉट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो नेक्स्ट शॉट जो हम शूट करने वाले हैं उसमें होगा कि एक लड्डू जो है वो बाउल के ऊपर गिरेगा और नीचे आके बॉक्स के सामने ही रुक जाएगा। सो मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे शूट करने वाले हैं वो। 1 2 स्टार्ट। सो फिर कोई बात नहीं, ये तो बहुत सारी ट्राई करनी पड़ेगी तब जाके ये शॉट हमें मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अभी ये शॉट कैसे लेने वाला हूँ। ओके, सो अभी नेक्स्ट शॉट जो है वो मैं एक स्टॉप मोशन की तरह शूट करने वाला हूँ। एक्चुअली ये स्टॉप मोशन ही है,
जैसे वो हमारा ऊपर से जो लड्डू गिर के यहाँ पे आके रुका था नेक्स्ट पिछले वाले शॉट में। सो मैं क्या करूँगा, इसको धीरे धीरे रैपर को ओपन करते करते अभी एक वन शॉट लूँगा, फिर वापस थोड़ा और ओपन करके फिर से क्लिक करूँगा, फिर थोड़ा और शॉट, सॉरी थोड़ा फिर और रैपर को थोड़ा और ओपन करके फिर से मैं एक शॉट लूँगा। सो ऐसे करके करके मैं पूरा रैपर ओपन करके उसमें से बाइट भी लूँगा। ये सारे एक एक फोटोग्राफ होंगे और सारे फोटोग्राफ जैसे एक साथ प्ले करेंगे तो एक स्टॉप मोशन का एक वीडियो बनेगा जो ऐसा दिखेगा। ओके, सो हमें जो भी शूट करना था हमने शूट कर लिया है। अब सारे जितने भी फुटेजेस होंगे उसको मैं एडिट करूँगा प्रीमियर प्रो में। सो कुछ शॉट्स ऐसे भी है कि जिसमें मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट्स में, ग्रीन स्क्रीन वाले जो शॉट है उसमें। सो वो सारा एडिटिंग करके फाइनल आउटपुट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बाद इस वीडियो का एडिटिंग का भी ट्यूटोरियल बनाऊं, तो इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक्स लाके दीजिए। जल्दी से वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर हमें 500 लाइक्स मिल जाते हैं इस वीडियो पे, तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो बनाऊंगा वो होगा कि इसी वीडियो को मैंने एडिट कैसे किया। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जहाँ भी हो सके, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।